हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चेलशा है। हमने पार्ट्स कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है। कल की जो मेरी दो वीडियोस थी उसमें मैंने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी यूनिट को कवर किया था। आज हम अपने इस वीडियो में सेक्शन टू एंड सेक्शन थ्री सॉफ्टवेयर एंड ट्रांसलेटर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जितना सिलेबस में गिवन है उसको कवर करेंगे। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, लास्ट वीडियोस नहीं देखी है, तो आप देखिए एंड उसके बाद लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेक्शन। एज वी नो कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर जो है हमारे वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होते हैं, या हम कहें कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो एक किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि पेंट का प्रोग्राम पेंट करने के लिए बनाया जाता है, वॉशिंग मशीन कपड़े वॉश करने के लिए बनाई जाती है। तो इन सब के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स टू टाइप्स के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम सबको पता है कि व्हाट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक्चुअली में हम जो ये सेक्शन कर रहे हैं ना, वो सब हमको पता है। बस हमारे माइंड में क्या होता है, कई बार ना हमें एडवांस इतना आता है कि हम बेसिक क्वेश्चन जो होता है वो हमारे माइंड से स्लिप हो जाते हैं। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कि आपके माइंड में जो वो ये सब कहीं ना कहीं पर दबा हुआ हो वो बाहर आए और आपको माइंड रिफ़्रेश हो जाए। तो इसीलिए ये वीडियोस है। इसमें ऐसा कुछ मैं नया नहीं बता रही हूँ, हम सभी को पता है। तो देन हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ थे हम। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम है उसके ओवरऑल ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू कंट्रोल दी ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स कि नाम से ही पता चल रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हमारे सिस्टम को देखेगा। सिस्टम कौन है हमारा, यहाँ पे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है, वो सब होंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स ही होते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं हमारे सिस्टम को कंट्रोल, ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए। हमारे सिलेबस में तीन सॉफ्टवेयर मेंशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर्स। एग्ज़ाम्पल के लिए हम एक OS लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम OS के नाम हैं, जैसे कि DOS हमारा सबसे फर्स्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारा, जो हम कमांड लाइन पे यूज़ होता है, आज भी यूज़ करते हैं हम उसको। विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैकिंटोश। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने सिर्फ थोड़ा बेसिक में कवर किया है, क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन में हम इसको थोड़ा आगे कवर करेंगे। तो व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। तो अब हम देखते हैं कि इंटरफेस क्या होता है, व्हाट इज़ एन इंटरफेस। इंटरफेस मीन्स कि हमें, जैसे हम हैं और हमें टीवी चलाना है, तो हमें टीवी को कंट्रोल करने के लिए रिमोट कंट्रोल की ज़रूरत होती है। तो रिमोट हमें और टीवी को कनेक्ट कर रहा है, तो वो एक क्या कर रहा है, इंटरफेस का काम कर रहा है। ऐसे ही जनरली सिंपल सा एग्जांपल है, आई होप कुछ गड़बड़ भी हो सकता है शायद, मेरी इतना एडवांस में नहीं जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। कंप्यूटर पे काम कौन करता है, वो ह्यूमन काम करता है, और ह्यूमन हम हैं, जिसे हमें इंग्लिश हिंदी हमारी लैंग्वेज ही आती है। एंड मशीन को कौन सी लैंग्वेज आती है, मशीन को आती है उसकी मशीन लैंग्वेज, जो कि हम सबको पता है कौन सी होती है, बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1। अब हम अपना प्रोग्राम अपनी लैंग्वेज में टाइप करेंगे, लेकिन कंप्यूटर उसे अपनी लैंग्वेज में रीड करेगा। उसे थोड़ी ना इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी, मराठी, तमिल आती है, उसको नहीं आती है ये सब लैंग्वेज। तो इसीलिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया गया, जिसको हम कहते हैं OS, जो कि हमें यूज़र को कंप्यूटर से कनेक्ट करवाएगा। कैसे कनेक्ट करवाएगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले यूज़र ने अपनी इनपुट दी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस इनपुट को वो जिस भी लैंग्वेज में है उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। कंप्यूटर लैंग्वेज का यहाँ पे मीनिंग है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा।
इसकी हेल्प से जो सीपीयू है वो इनपुट लेगा और उस कन्वर्टेड लैंग्वेज पे काम करेगा। देन थर्ड स्टेप क्या है हमारा कि ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से सीपीयू से आउटपुट लेगा। सीपीयू से उसने आउटपुट लिया है उस कन्वर्टेड लैंग्वेज में ही, मशीन लैंग्वेज में, लेकिन वो उस आउटपुट को यूज़र के साथ शेयर करेगा यूज़र की लैंग्वेज में। तो ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक तरह से वो मीडिएटर या इंटरफेस का काम करता है हमारे यूज़र और कंप्यूटर या हार्डवेयर के बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है? बेसिक हम बोले कि परफॉर्म रूटीन्स। रूटीन्स क्या है? हमारे रूटीन क्या है डेली, जैसे हम सुबह, हमारा भी एक रूटीन होता है, हम सुबह उठते हैं, वार्म वाटर लेते हैं, अपना फ्रेशन अप होते हैं, खाना खाते हैं, ये सब हमारा एक रूटीन है जो डेली सुबह से लेके हमारा रात तक चलता है। उसी तरह कंप्यूटर का भी एक रूटीन प्रोग्राम होता है कि जब कंप्यूटर स्टार्ट हो और जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो, तो उसके बीच में कुछ काम होते हैं जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, कि वो इसलिए चलते रहते हैं कि जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर अच्छे से रन करे, परफॉर्म करे। तो उन्हीं रूटीन्स को परफॉर्म करते हैं ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं है ये, या कोई अलग से टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर भी नहीं है, ये एक पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो परफॉर्म्स करते हैं स्पेसिफिक टास्क टू कीप कंप्यूटर रनिंग, एंड ये हमेशा ही बैकग्राउंड में रन करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हो गया। सिक्योरिटी प्रोग्राम्स में हमारे कौन से आते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो स्कैन करते हैं वायरसेस को एंड रिमूव करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम्स है। ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम में हम क्या इंक्लूड करते हैं? क्लीन अप, जो बग्स वगैरह को या एक्स्ट्रा फाइल्स को क्लीन अप करेगा। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, जो भी डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि हम जब जो हमारी मेमोरी होती है, एक्चुअली ये आगे ओएस का टॉपिक है, अभी बेसिक हम समझे कि जो हमारी मेमोरी होती है जो बिखरी हुई होती है, मतलब थोड़ा सा यहाँ खाली स्पेस रह गया, थोड़ा सा यहाँ खाली स्पेस रह गया, तो उन सब खाली स्पेस को वो इनको एक तरह से एक फ्रेगमेंटेशन करता है, एक कलेक्ट करके एक जगह पे करता है ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। फाइल कंप्रेशन, कंप्रेशन हम सबको पता है कि लार्ज साइज़ की फाइल्स होती है उनको कंप्रेस करके स्मॉल साइज़ में बनाया जाता है। तो ये जो टूल्स होते हैं ये टिपिकली इंस्टॉल्ड एज पार्ट ऑफ ओएस, मतलब कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट के रूप में इंस्टॉल होते हैं पहले से ही। दे हैव एक्सेस टू हार्ड ड्राइव टू कीप इट टाइडी। उनको हार्ड ड्राइव एक्सेस करने का, हार्ड ड्राइव को भी वो एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हम डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होता है? जैसे हम अपना नॉर्मल समझे कि हमें हम पहले क्या करते थे कि प्रिंटर हमने अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया, तो जब हम नया प्रिंटर लेके आते हैं वो साथ में एक उसका ड्राइवर भी देता है। हमें पहले वो ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, क्यों? ताकि कंप्यूटर को पता चले कि उस हमें एक प्रिंटर अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हैं और उसके लिए जो भी फंक्शंस होंगे या उसके लिए जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो उस ड्राइवर से में होंगे। तो वो ड्राइवर, प्रिंटर जो ड्राइवर बोलते हैं उसको, वो कंप्यूटर को और प्रिंटर को कम्युनिकेट करवाने में हेल्प करेगा। अगर डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा, प्रिंटर ड्राइवर नहीं होगा, तो हमारा कंप्यूटर प्रिंटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर्स को, इनको हम हार्डवेयर ड्राइवर भी बोलते हैं। तो हम लिखा है मैंने कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स आर स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स ए स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस। मीन्स कि हर एक स्पेसिफिक हार्डवेयर का एक अलग से ड्राइवर होगा। जैसे प्रिंटर के लिए प्रिंटर ड्राइवर होगा, स्कैनर के लिए स्कैनर ड्राइवर्स होंगे, लिनक्स विंडोज ड्राइवर सॉफ्टवेयर होंगे, ये कुछ टाइप्स हमारी। तो ये डिवाइस ड्राइवर होते हैं। ये ड्राइवर की है हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? ताकि जिस हार्डवेयर को हम यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे प्रिंटर स्कैनर,
वो जिस फंक्शन के लिए बना है वो उस फंक्शन को करे ठीक से। इसीलिए हम डिवाइस ड्राइवर की हमें एसेंशियल्स है कि दीज ड्राइवर्स आर एसेंशियल फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम टू वर्क प्रॉपरली, बिकॉज विदाउट अ डिवाइस ड्राइवर द पर्टिकुलर हार्डवेयर फेल्स टू वर्क नॉट टू डू द फंक्शन इट वॉज क्रिएटेड टू डू एंड ऑल्सो कॉल्ड हार्डवेयर ड्राइवर। यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ ड्राइवर लिखा है, एक होता है कर्नल मोड डिवाइस ड्राइवर, एक है यूज़र मोड डिवाइस ड्राइवर। आई थिंक ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो फिर भी जनरल नॉलेज के लिए ये हमने इंक्लूड किया है। अब हम देखते हैं कि कर्नल मोड डिवाइस ड्राइवर, कर्नल किसका पार्ट होता है, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। तो ये जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड होता है उसी के साथ लोड हो जाते हैं, जैसे कि बायोस, मदरबोर्ड, प्रोसेसर। एंड यूज़र मोड डिवाइस ड्राइवर, ये वो डिवाइस ड्राइवर होते हैं जो यूज़र को कोई प्रोग्राम एक्स्ट्रा, जो कोई प्रोग्राम है उसको रन करवाने के लिए उसको रिक्वायरमेंट होती है, जैसे प्लग एंड प्ले एक्शंस। ये एक सिंपल सा ड्राइवर एग्जांपल है ना, फिगर है। जैसे एप्लीकेशंस है, ये यूज़र मोड के पास यूज़र ड्राइवर होगा एंड कर्नल मोड के पास उसके डिवाइस ड्राइवर्स होंगे। तो अगर किसी को कोई भी इशू आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है मेरे पढ़ाए हुए में, या आपको लगता है कि मेरी स्पीड ज़्यादा फास्ट है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो भी बताना, एंड नहीं अच्छी लगे तो क्या कमी रह गई आप वो भी मुझे बता सकते हैं, थोड़ा मोटिवेशन तो बढ़ाएंगे ना। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करने के लिए बनाए जाते हैं। एग्जांपल्स है जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ग्राफिक सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो इसके एग्जांपल है कुछ, जैसे कोरल ड्रो, पेंट, फोटोशॉप। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें पता है C++, तो इसके बारे में हम सब कर लेंगे। आई थिंक एग्जांपल्स ही पूछ सकता है अगर वो कुछ सॉफ्टवेयर के नाम लिख के बोल सकता है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ट्रांसलेटर क्या होता है? जैसे ट्रांसलेटर हमें पता है, जैसे मुझे अभी एक्चुअली मैं अभी अपने हस्बैंड की पोस्टिंग के वजह से साउथ में रह रही हूँ, तो ट्रांसलेटर क्या होता है कि मुझे हिंदी आती है एंड उन्हें तमिल आती है, तो हिंदी और तमिल को अगर हम एक दूसरे से बात करनी है तो कोई बीच में एक ऐसा पर्सन होगा जिसको दोनों आती है, तो वो हमें ट्रांसलेट करके उसकी भाषा को बताएगा, तो वो क्या हो गया ट्रांसलेटर। मतलब वो क्या बना, हम दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएटर बना। तो उसी तरह कंप्यूटर में भी ट्रांसलेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें। अब हमारे पास थ्री टाइप्स के ट्रांसलेटर हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। हम वन बाय वन तीनों को देखेंगे। तो ना व्हाट इज़ असेंबलर, मैंने इसमें ज़्यादा मेंशन नहीं किया है क्योंकि हम अभी हमारा थ्योरेटिकल पेपर नहीं है इतना कि हमें लिखना है, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है, तो हम एक बार माइंड में भी ये सब चीज़ें चली जाएंगी तो हम एक्चुअली में उस क्वेश्चन को देख के टिक कर सकते हैं। देन असेंबलर, असेंबलर क्या होता है, जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। अब यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज में भी कुछ इंग्लिश वर्ड्स होते हैं जिनको हम मैनियमोनिक्स कहते हैं, जैसे कि LDA का मतलब क्या है, लोड करना, MUX, MUX मीन्स मल्टीप्लाई। तो ये क्या होते हैं, असेंबली लैंग्वेज है। ये थोड़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है क्योंकि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे मैनियमोनिक्स इंक्लूड होते हैं। तो मशीन कोड क्या होता है, मशीन कोड वही हमारी बाइनरी लैंग्वेज जो 0 और 1 की फॉर्म में होगा, तो ये होता है असेंबलर। उसके बाद हमारा आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, अब कंपाइलर होता है एक्चुअली में ये जो मैंने लैंग्वेजेस लिखी है ना, इसका एक आगे हमारा एक टॉपिक मैंने कवर किया है, तो पहले हम ट्रांसलेटर देख लेते हैं। कंपाइलर जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। कौन सी लैंग्वेज को, हाई लेवल को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे लो लेवल का मतलब क्या है, मशीन कोड ही होता है।
अब कंपाइलर जो होता है हमारा, एक मिनट मैं इसको रब कर देती हूँ। जो कंपाइलर होता है ना, वो एग्जीक्यूटेबल कोड क्रिएट करता है। यहाँ हमारे पास तीन कोड होते हैं, हम थोड़ा आगे चल के देखते हैं यहाँ पर। हाँ, कि मैंने बताया है कि हमारे पास तीन कोड है, एक होता है सोर्स कोड, एक होता है ऑब्जेक्ट कोड और एक होती है एग्जीक्यूटिव फाइल। सोर्स कोड जो हम यूज़र टाइप करता है सोर्स कोड, फिर सोर्स कोड किस में कन्वर्ट होता है, ऑब्जेक्ट कोड में। उसके बाद उस जब उस ऑब्जेक्ट कोड को हम रन करते हैं तो हमारी एक फ़ाइल जनरेट होती है जो कि होती है एग्जीक्यूटिव फाइल। अब कंपाइलर क्या का बेनिफिट क्या है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन करता है और लास्ट में हमें क्या देता है, वो एक एग्जीक्यूटेबल कोड। अब इसका बेनिफिट क्या है कि इस एग्जीक्यूटेबल कोड को जब हम रन करेंगे तो हमें सोर्स कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम इस एग्जीक्यूटेड कोड को किसी दूसरे कंप्यूटर में ले जाएं, इस फाइल को, सोर्स कोड को नहीं लेके जा रहे हैं, तो भी हमारा प्रोग्राम रन करेगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो फाइल होती है वो ऑलरेडी कंपाइल एंड रन करके मिली है हमें, तो उसको हमें सिर्फ रन करना है। कैन एग्जीक्यूटेबल कोड कैन रन विदाउट नीड फॉर सोर्स कोड। अब यहाँ पे ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, क्यों, क्योंकि सोर्स कोड है, फिर उसको ऑब्जेक्ट कोड में जनरेट करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूटिव फाइल भी बनाएगा, तो ये थोड़ी हमारी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, हम कंपाइलर को इंटरप्रेटर से कंपेयर कर रहे हैं, तो किससे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये इंटरप्रेटर से। बट इसके कुछ बेनिफिट भी है हमारे पास। बेनिफिट क्या है कि ये सिक्योर है। सिक्योर क्यों है इंटरप्रेटर से, क्योंकि इसमें सोर्स कोड इंक्लूड ही नहीं होगा, सिर्फ ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होगी। फास्टर भी होगा, फास्टर देन इंटरप्रेटर। एक जो मेन डिफरेंस हम बोलते हैं कि कंपाइलर, हम पढ़ते हुए भी आए हैं, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन करके हमें देता है। अब हम देखते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है और जो कंपाइलर है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन करता है, इसीलिए वो फास्टर है। अब लाइन बाय लाइन करेगा, इसने एक लाइन को रीड किया, उसमें एरर आ गया तो वो वहीं पर रुक जाएगा कि पहले इस एरर को क्लियर करो, तब वो नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा। फिर नेक्स्ट लाइन रीड किया, एग्जीक्यूट हो गई, रन हो गई, तो ठीक है, एरर आ गया तो हमें उसको क्लियर करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम ये स्लोअर है देन दी रनिंग कंपाइल कोड। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि लिखा है कि स्लोअर देन रनिंग कंपाइल्ड कोड बट टेक लेस टाइम टू इंटरप्रेट प्रोग्राम कोड, कि जो हमारा कोड कंपाइल हो चुका है वो जो रन हो रहा है उससे तो स्लोअर है, लेकिन कोड को इंटरप्रेट करने में ये लेस टाइम लेती है, टेक लेस टाइम। क्यों, क्योंकि उसमें तो सोर्स कोड से, ऑब्जेक्ट कोड से एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सोर्स कोड से वो सिर्फ ऑब्जेक्ट कोड ही जनरेट करेगा, इसीलिए ये कम्स इनसिक्योर भी बोलते हैं, हम लेस सिक्योर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट कोड है उसको, और हमें हमेशा सोर्स कोड की रिक्वायरमेंट होगी हमारी फाइल को जनरेट करने के लिए, रन करने के लिए, तो इसीलिए टेक लेस टाइम टू इंटरप्रेट बट स्लोअर देन रनिंग कंपाइल्ड कोड। अब इंटरप्रेटर कहाँ पे हेल्पफुल होता है, इंटरप्रेटर को हम यूज़ करते हैं प्रोटोटाइपिंग में एंड टेस्टिंग कोड में। ये प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग कोड क्या होता है, ये हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टॉपिक है। प्रोटोटाइपिंग में हम क्या करते हैं, उस मॉडल में कि हम एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं, पूरा नहीं, एक सबसे छोटा सा मॉड्यूल बनाते हैं, फिर उसको रन करके देखते हैं, फिर दूसरा मॉड्यूल बनाते हैं, फिर उसको रन करके देखते हैं, ठीक चल रहा है तो ठीक है, नहीं फिर उसमें कुछ एडिटिंग की रिक्वायरमेंट है। तो टेस्टिंग क्या होती है, पहले एक पोर्शन को टेस्ट करेंगे, फिर दूसरे पोर्शन को टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग कोड में इंटरप्रेटर हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हमने लिखा है कि इंटरप्रेटर आर रिटन फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। मल्टीपल प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि एक बार हमने कोड को लिख दिया तो हम उसको इमीजिएटली दूसरे सिस्टम पर रन कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू रिकम्पाइल फॉर ईच
इसके कुछ एडवांटेज क्या है कि ईजी टू डीबग है देन कंपाइलर, ईजियर टू क्रिएट मल्टी प्लेटफॉर्म कोड. और कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, वो क्या है हमारा कि स्लोअर है, इनसिक्योर है एंड सोर्स कोड इज़ रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन. सो तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा ट्रांसलेटर. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ट्रांसलेटर्स. नेक्स्ट हम चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेज का. ये हमें सिर्फ एक रीडिंग ले लेते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस में टू टाइप्स होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज. कई बार हम देखा होगा, हमने मीडियम लेवल लैंग्वेज को भी कहीं पे देखा हुआ है. लो लेवल लैंग्वेज भी टू पार्ट्स में डिवाइड है, एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है जो जीरो एंड वन की भाषा समझती है. असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है जिसमें मैनेमोनिक्स ऐड होते हैं, जैसे ऐड के लिए ए डबल डी, ऐड डिवाइड के लिए डी आई वी, लोड के लिए एल डी ए, स्टोर के लिए एस टी ए, इस टाइप से. हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, सी, सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन. ये सारी हमारी कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें एक्चुअली में पता होने चाहिए, मींस कि एक बार हमें पढ़ लेना चाहिए कि ये सब क्या था. तो एक बार मैं आपको रीड करके देती हूँ. इसमें मैंने लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड इन 1887, एक्चुअली मैं इसमें श्योर नहीं हूँ 1887, क्योंकि मैंने एक जगह पे 1883 भी देखा है और 1887 भी देखा है. तो गाइस अगर आप मेरी वीडियो रीड कर रहे हैं और यहाँ पे तक आप आए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका करेक्ट क्या है. तो जो हमारी पहली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्रिएट किसने की थी, बाय एडा लवलेस, या हम कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है, वो है लेडी एडा लवलेस. सेकेंड आता है कि फर्स्ट असेंबली लैंग्वेज या असेंबलर रिटन बाय कैथलीन बूथ. किसने लिखा था असेंबली लैंग्वेज, कैथलीन बूथ. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने बनाई थी, डेनिस रिची. सी प्लस प्लस, बेजरने स्ट्रोस्ट्रब. जावा, जेम्स गोसलिंग. पाइथन, जो कि हाँ पाइथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, मतलब बोल रहा है कि 80% सब्जेक्ट में से आएगा. तो अभी मैंने लास्ट जो एग्ज़ाम दिए थे केवी के एंड कुछ और एक दो एग्ज़ाम दिए थे, उसमें उन लोगों ने 80 में से मुझे लगता है कि 50 प्लस तो पाइथन ही था उसमें. तो पाइथन किसने बनाया था, पाइथन था ये गुइडो वॉन रोसम ने. फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज. एबेकस जो है हमारा फर्स्ट नॉन कैलकुलेटर था. नेपियर बोन्स मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो नेपियर ने बनाया था. पास्केलिन कैलकुलेटर जो हमारा फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो कि ब्लेज पास्कल ने बनाया था इन 1642. ये केवल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करता था, अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना है तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट को ही यूज़ करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता था. लेबनीज कैलकुलेटर, इसका नाम था स्टेप्ड रेकोनर, ये लेबनीज ने बनाया था. बाद में इस कैलकुलेटर को लेबनीज कैलकुलेटर बोल दिया गया. ये ब्लेज पास्कल के जो पास्केलाइन कैलकुलेटर है उसी को फॉलो करता है और ये चारों ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, ऐड सब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. क्रिएट कब हुआ था, इन 1671. उसके बाद आता है हमारा पंच कार्ड्स. पंच कार्ड्स 1801 में जोसेफ मार्ले जैकयार्ड ने बनाया था, दिए थे, इन्वेंट किए थे. नेक्स्ट आता है हमारा चार्ल्स बेबेज ने. एक्चुअली हमारे पास कई बार देखा हुआ एक पहले मैंने कोई एग्ज़ाम दिया था उसमें भी मैंने इसको देखा था, आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में भी देखा होगा कि कई बार क्वेश्चन आता है कि जो चार्ल्स बेबेज है, वैसे तो हमें पता है फादर ऑफ कंप्यूटर है, बट चार्ल्स बेबेज ने दो मशीन बनाई थी. उसमें फर्स्ट मशीन थी डिफरेंस इंजन और एक मशीन थी एनालिटिकल इंजन. डिफरेंस इंजन 1822 एंड एनालिटिकल इंजन 1833. क्वेश्चन ये आया था कि चार्ल्स बेबेज की ऐसी कौन सी मशीन थी जो उसने स्टार्ट तो की थी बट कभी कंप्लीट नहीं हुई, तो उसका आंसर होगा एनालिटिकल इंजन. अभी 1991 में उसके एफर्ट्स को ट्रिब्यूट देने के लिए एक्चुअली में एक एनालिटिकल इंजन बनाया गया है, फॉर जनरल नॉलेज. नेक्स्ट है हमारा हरमन हॉलरिथ. हरमन हॉलरिथ ने 1887 में टेब्यूलेटिंग मशीन बनाई थी.
उसके बाद है मार्क फर्स्ट कंप्यूटर, जो कि हमारा है फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, 1943 में हॉवर्ड एच एकन ने इन्वेंट किया था। जॉन वॉन न्यूमन ने स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था, या हम कहें कि प्रोग्रामेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था 1945 में, जो कॉन्सेप्ट स्टोर्ड प्रोग्राम का हम आज यूज़ कर रहे हैं।